ब्रो क्या हुआ? सॉरी बे ब्रो, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, बट ताऊजी और ताईजी के बीच में झगड़ा हो रहा है, सोचा आपको बता दूं। क्या कहीं मुझे लेकर फिर से कहीं कोई? नहीं नहीं भाभी, आर्ग्यूमेंट आशीदी की शादी को लेकर हो रहा है। आशीदी की शादी को लेकर? हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे भी नहीं पता बे ब्रो, बट आशीदी शाम से अपसेट है, प्लीज आप चलो ना। ऐसा हुआ क्या? लेकिन संजू प्लीज तुम जाकर देखो, मैं चाहूंगी तो कहीं बात और ना बिगड़ जाए, वैसे ही मुझसे गुस्सा है। आप नहीं, नहीं तो... ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तुम ही चलो। यस बेब्रो छोड़ो ना, चांस नहीं लेते, फालतू में भाभी को भी सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जाओ तुम जाओ, गो गो। ठीक है चलो। हर्षिदी की शादी को लेकर ऐसी क्या बात हुई? तो अब मेरी बातें फालतू हो गई, ठीक है तो आप अपनी समझदारी से सारी चीजें सॉल्व कर लीजिए। वैसे भी संजू तो परागी के साथ सेटल हो गया है और आप अपनी नई बेटी के साथ खुश हैं। अब जब मेरी जरूरत ही नहीं है यहां पे, तो मैं मायके चली जाती हूं। भाभी जी प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। ठीक है सुषमा जी, अब मायके जाना चाहती है ना आप, इस बात को बढ़ाना चाहती है तो ठीक है, मैं ही पीछे हट जाता हूं, लेकिन मैं भी आपको एक बात साफ साफ कह रहा हूं सुषमा जी, मैं आशी का बाप हूं और उसकी शादी की चिंता मुझे भी है और उसे सही समय पर करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। भाई साहब चुप क्यों खड़ा है संजू? तुम्हें सुना दे अपनी बाप को। शांत शांत, इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो। माँ प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। कैसे शांत हो जाओ संजू, तुम्हारी तरह मैं आशी की भी माँ हूँ, उसकी शादी की फिक्र लगी रहती है मुझे। माँ मुझे भी उनकी शादी की चिंता है, आशी थी मेरी बड़ी बहन, छोटा भाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि उनकी शादी जिस भी लड़के के साथ हो, वो उनको उनकी खूबियों के साथ अपनाए, ना कि सिचुएशन का फायदा उठाए। आप समझ रही ना माँ, मैं और पापा कुछ फैमिली से मिले भी हैं। तू सच कह रहा है संजू? हाँ माँ मैं सच कह रहा हूँ, और आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आशी दी की शादी सही वक्त पे सही लड़के के साथ और सही तरीके से होगी। भोपाल की सबसे बड़ी शादी होगी आशी दी की शादी। अब आप थोड़ा सा स्माइल कीजिए, मैं आपकी फेवरेट कोल्ड कॉफी लेकर आता हूँ, दोनों साथ में बैठकर पीते हैं, बड़े दिन हो गए पी भी नहीं। लाता। कितना अच्छा है मेरा संजू, कितना समझता है सबको, इसलिए सबको समझा भी लेता है, कितनी आसानी से माँ को हैंडल कर लिया, मेरे लिए भी कितना कुछ करता है, लेकिन मैं आज अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गई। घर में रिश्ते उलझे हुए हैं और ऑफिस में भी पूरा फोकस चाहिए। मैं करूंगी, आज जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। I'm really sorry, Mom. कल मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाई, पर आज पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको शिकायत का एक भी मौका ना दो। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग भाई साहब। अरे वाह, ब्रेकफास्ट अच्छा लग रहा है। थैंक यू संजू, वो प्लेट पास करना। अच्छा प्रमोद, आज इंस्टीट्यूट जाते वक्त मेरे और भाभी के हिस्से का नाश्ता पैक करा के प्लीज लेते जाना और करीबों को बांट देना। क्या है कि अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं और भाभी आज कुछ नहीं खाएंगे, हमारा उपवास है। उपवास? हाँ, आज शाम को साईं पाठ है, उसके पहले हम दोनों कुछ नहीं खाएंगे। माँ सच्ची आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था आपका उपवास है, नहीं तो मैं कम बनाती। तुम घर पे रहोगी तब तो पता चलेगा ना। चाची ये साईं पाठ आपने सीक्रेटली रखा है क्या? क्योंकि मैं तो घर पर ही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि आज कुछ ऐसा होने वाला है। Exactly. चाची माँ आप लोग प्लीज बताइए कि आप उपवास में क्या खाएंगी, मैं अभी बना देती हूँ। लो तुम्हारी कार आ गई, अभी ये सब घर का काम छोड़ो और ऑफिस की तैयारी करो। माँ मैं आप लोगों के लिए फ्रूट्स काट दूँ। तुम ऑफिस संभालो कर आगे, घर संभालना हमें आता है। फ्रूट मैं काट दूंगा और आशीदी से पूछकर आज के शाम का प्रसाद भी बना दूंगा। आई होप कि साईं बाबा मेरे हाथ की खिचड़ी खाकर नाराज नहीं होंगे। हाँ पर आ गए बेटा, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, तुम जाओ। क्या हो गया परागी? प्लीज गो, लेट हो जाओगी तुम। ये तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा फोन और ये तुम्हारा पर्स। परागी भाभी जी, नॉर्मली इतने केयर से वाइफ अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजती है, यहां पर तो उल्टी गंगा ही बह रही है। चलो लेट हो जाएंगे, चलो। हो सके तो साई पाठ के टाइम पर आ जाना। कल बेटा वैलेंटाइन के लिए वेट करता रह गया, आज माँ पाठ के लिए वेट करती रह जाएंगी। मैडम आएंगी लास्ट में प्रसाद लेने। माँ प्रॉमिस नहीं कर सकती, वो टूट जाते हैं। कोशिश कर सकती, वो कामयाब होती। संजू लाइए, मैं लगा देता हूँ। तू जाओ, परागी को लगा। परागी को क्यों, आपको लगाऊंगा। अगर खराब हो भी गए आपके नेल्स तो बहन थोड़ी नहीं चिल्लाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी शादी को लेकर माँ के मन में कई सारी परेशानियां चल रही हैं, आप इस बारे में क्या सोच रहे हो? ऑनेस्टली बोलो संजू, हर एक लड़की अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहती है जिससे उसे प्यार हो जाए, देन नेक्स्ट स्टेप शादी।
तेरे और परागे की जैसे। सच में तुम दोनों बहुत लकी हो एंड टच वुड, मैं हमेशा तुम दोनों के लिए प्रे करती हूँ, हमेशा। आई नो दी, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? प्यार हो या शादी, एक परफेक्ट पार्टनर का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, पर मैं सिर्फ शादी करने के लिए शादी नहीं करना चाहती हूँ। जिससे प्यार होगा उससे शादी हो, ये चाहती हूँ। ऐसा होगा कि नहीं होगा संजू, इसका डर है। मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट करके मुझसे प्यार कर पाना मुश्किल है ना संजू। मोस्टली तो ये हो सकता है कि लोग सिर्फ इसलिए नाटक करेंगे क्योंकि हम लोग वेल ऑफ फैमिली से। दी, मैं प्रे करूंगा कि आपको आपका मिस्टर परफेक्ट जल्दी मिल जाए। वो क्या है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है वो। आप फिक्र मत कीजिए। और ये जो ऐसे एमए वाले रिश्ते जो आते रहते हैं ना, इनको तो मैं आपके आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर कोई कमी नहीं है दी, आप बहुत स्पेशल हो। मैडम, फैक्ट्री का एक राउंड लगा चुका, ताला लटका हुआ है और बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। मिश्रा जी, वीकडे के दिन फैक्ट्री लॉक्ड है। वही तो मैं कह रहा हूँ मैम, गार्ड कह रहे थे कि ये कपड़े का कारखाना है, कपड़े के डाई और दूसरे काम होते हैं, और महीने में एक दिन स्पेशल क्लीनिंग होती है कारखाने की, लेकिन आज तो कुछ क्लीनिंग नहीं हुई। मिश्रा जी, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, बत्रा सर को आज की सिचुएशन की रिपोर्ट कर देते हैं, कल प्रॉपर परमिशन लेकर आएंगे, फिर देखती हूँ कैसे नहीं खुलता ताला। ठीक है। पापा, वो तो अच्छा हुआ हमें सही समय पर इंफॉर्मेशन मिल गई और हमने फैक्ट्री को ताला लगा दिया। अब इससे पहले कि कोई नया इशू क्रिएट हो, हमें नई एसडीएम और इस नए डीएम को दोनों को अपने पुराने वाले ऑफिसर्स की तरह अपने हाथ में लेना होगा, वरना फैक्ट्री पर ताला लगाने की नौबत आ जाएगी। बिल्कुल सही बेटा, अगर कोई बड़ा बिजनेस करना है तो बड़े ऑफिसर्स हमारी जेब में होना चाहिए। मम्मी, मैंने इंश्योरेंस के लिए ना कल की मीटिंग फिक्स की है। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज घर में साई पाठ है ना, इसलिए। जी जी, मैं साई पाठ के लिए दुकान से कुछ मिठाइयाँ लेकर जाऊंगी घर। जी, ओके। हाँ आशीदी, मैंने पंडित जी को पूजा के लिए रिमाइंड करवा दिया है। पूजा के लिए फूल फ्रूट जैसे कोई भी चीजें चाहिए हो ना तो आप मुझे बता दीजिए, मैं रास्ते से लेकर आऊंगी। ओके ओके। हेलो संजू। हाँ, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगी। तुम पूजा के लिए फ्रूट्स ले आए ना? नहीं 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 नहीं, प्लीज़ तुम ही लेकर आना, माँ का पूरा ध्यान पूजा पे रहने दो, काम पे नहीं। डोंट वरी परागी, मैं सब संभाल लूँ। ओके। वेरी नाइस मैडम, आप ऑफिस और घर दोनों मोर्चे पर कमर कसकर डट गई हैं, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का डर है मैडम, अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी फिर आप कैसे करेंगे? मिश्रा जी, आपने कमर कसने की बात कही ना, झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ बच्चे को कमर पर बांध कर लड़ी थी, मैं जो कर रही हूँ उनके आगे तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात कही है मैडम, कमाल का देश है हमारा, जब भी कुछ अच्छा करने की सोचो तो हर कदम पर प्रेरणा मिलती है। सर, मैं प्रेम नारायण शर्मा सर, ये मेरा बेटा अक्षय नारायण शर्मा। हेलो सर, आईटी रुड़की का पास आउट है सर। सर, हमारी क्लोथिंग की फैक्ट्री है सर, यहीं भोपाल में। सर, आपसे पहले जो डीएम थे मिस्टर सिंह, उनसे हमारे बड़े हेल्दी रिलेशंस थे सर, पार्टीज में अक्सर मुलाकात हो जाती थी। आप सर इस शहर में नए गेस्ट हैं सर, तो आपकी तरफ भी दोस्ती का हाथ।
ये सर हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत से देख छोटी सी गिफ्ट से। डीएम का एक रिएक्शन ही काफी है बताने के लिए वो कितना ऑनेस्ट ऑफिसर है। हमें एंटरटेन ही नहीं किया। सर, जैन सर। जैन, डीएम ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट ऑफिसर से डील करना थोड़ा टेढ़ा होगा पापा। और वो लेडी एसटी, उन्हीं के अंडर है। तो स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा ना पापा। पर बात यह है कि कहीं हमारी फैक्ट्री के अगेंस्ट कोई इश्यू निकला तो हम अपनी फैक्ट्री लूज कर सकते हैं। कुछ बड़ा सोचना होगा पापा। सर, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे क्लोथिंग फैक्ट्री, लेकिन फैक्ट्री पे लॉक लगा था। कल मैं प्रॉपरली परमिशन लेकर जाऊंगी और आपको रिपोर्ट सबमिट करूंगी। तो आप आज ही परमिशन लेकर क्यों नहीं गए? I'm sorry sir, but I thought कि आज वीकडे है तो फैक्ट्री खुली होगी, पता ही नहीं था कि अंदर नहीं जा पाएंगे। मिस परागी, आज आपने गवर्नमेंट का टाइम और रिसोर्सेस दोनों वेस्ट किए हैं। मेक श्योर कल ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे A1 क्लोथिंग फैक्ट्री की रिपोर्ट चाहिए एज सून एज पॉसिबल। यस सर, आई एम रियली सॉरी। एवरीथिंग इज मेस्ड अप हियर, सब मुझे ठीक करना पड़ेगा। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है माँ। मैं और बाकी। अच्छा माँ, आपने अक्की को भी बुलाया? आने दो उसे, बताता हूँ। जब से बिजनेस के सिलसिले में भोपाल से बाहर गया तब से यहाँ का रास्ते ही भूल गया। हाँ बाबा, हाँ उसको भी बुलाया, आता ही होगा। आता ही होगा नहीं आंटी जी, आ गया। आ गया। खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? एकदम अच्छी हूँ। कमीने, हैंडसम हो गए। ठीक है, वो ओवर एक्टिंग मत कर। अच्छा बेटा, भोपाल वापस आने का इरादा या रुड़की रहना? अबे ठीक से घर में आने तो दे, घर में आते इतने सवाल कौन करता है यार। अरे तो इतने टाइम बाद मिला तो सवाल तो पूछूंगा ना। And I'm really sorry यार, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। बट भाभी कहाँ है? भाभी से तो मिलवा। वो एक्चुअली अक्षय, वैसे तुम्हारी भाभी ऑफिस गई और शायद पार्ट के लिए भी नहीं पहुंच पाएगी। अगर तुम्हें उसे मिलना है तो पूजा के बाद घंटों तक बैठकर वेट करना पड़ेगा, तो मिलेगी। इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो रही तेरी भाभी।
तेरी भाभी। अंकल जी आपकी बहू। मीट माई वाइफ आईएएस ऑफिसर परागी पाठक। नमस्ते।